यौन शोषण के आरोप में जोधपुर जेल में लंबे समय से बंद आसाराम के समर्थक अब उत्पाती हो गए हैं। इन समर्थकों के उपद्रवों की ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। आसाराम के भक्तों ने जंतर मंतर पर जमकर तोड़फोड़ की। इन समर्थकों ने दिल्ली के संसद मार्ग थाने के पास जमकर उत्पात मचाया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। समर्थकों ने आसाराम को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की है। आसाराम समर्थकों के उपद्रव के दौरान पुलिस वालों समेत कई समर्थक भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक 7 पुलिस वालों को चोटें आई हैं, जिनमें एक CRPF का जवान भी शामिल है। पुलिस ने कुछ समर्थकों को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले रविवार को भी दिल्ली के जंतर मंतर पर आसाराम समर्थकों ने रिहाई की मांग पर प्रदर्शन किया था। हजारों की संख्या में समर्थक पोस्टर और बैनरों के साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि आसाराम यौन शोषण के आरोप में करीब 2.5 साल से ज्यादा समय से जोधपुर जेल में बंद है। 2 दिन पहले जोधपुर जेल से लाकर कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान लंबे अरसे बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आसाराम ने कहा था कि अब कानून अंधा हो गया है। ऐसे में अब आसाराम के समर्थक ही कानून तोड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आसाराम समर्थकों पर हल्का लाठीचार्ज भी किया। पुलिस ने उत्पात मचाने वाले कई लोगों को हिरासत में ले लिया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।